बस यहाँ दर्द होता है यार, प्राइवेट काम में यही सब होता है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे आपको। आप अपना वाला पर रिंग करवाए? गाइस तो आ गए रूम पर, अभी जो कि लगभग 8:30 हो रहा है, तो आए थे 5 मिनट पहले आए हैं, बस फ्रेश हो लिए हैं और यार ये हो जाता है यार, थक जाता है क्या कर। फिलहाल अभी खाना खाने का तैयारी चल रहा, जो कि दोपहर में बनाए थे चावल, तो चावल बचा हुआ, चावल को हम भूंजेंगे खाएंगे। उसके बाद आज कुछ एडिटिंग करना है, कुछ रिकॉर्डिंग करना है मेन चैनल के लिए, काफ़ी काम है, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता। चावल जो कि भुना कर रेडी, और ये देख सकते हैं क्या बात है यार, है ना, चावल और वो जो हरा वाला जो नजर आ रहा है, वो गए थे घर तो वहाँ से लेकर के आए हैं। सुबह जो कि 2 दिन चल जाता है, 2-3 दिन खराब नहीं होता, ठंडा का मौसम फ्रिज में भी रख देते हैं कभी कभी, काफ़ी स्वाद लगता है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के चावल भून दिए, ये अपना साग हो गया, अभी इसे खाएंगे सोना सोना, उसके बाद बैठेंगे एडिट करने के लिए। चलिए पहले खाना खाते हैं। The next day. गाइस तो रेडी हो गए, निकल रहे हैं घर, और आज है जो कि काफी लेट हो चुका है, 8:15 हो चुका है, 8:30 में गाड़ी है, फटाफट काफी तेज बोल रहे हैं, फटाफट निकलते हैं स्टेशन, निकल रहे हैं घर। तो चलिए सुबह से कोई ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, तो पहले निकलते हैं। तेज वाला गाड़ी आधा रास्ता पहुंच गए हैं। अरे डबरा मैंने लटका दी थी, कूद गया था, कूद गया था। आप अपना वाला पर रिंग करवाए? मोबाइल नहीं मिला। The next day. आई भाई ऐसे काय हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं, डिस्प्ले फिर गायब होता है, लगता है जैसे कि हिल रहा है, देखिए। हे गाइस तो रूम पर आ गए हैं, और भाई जो कि खाना वाना खाएंगे, उसके बाद ऑफिस निकलेंगे। पहले फटाफट नाश्ता वास्ता करते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद ऑफिस निकलेंगे। गाइस तो खाना पीना खा पी के रेडी, और लगभग 10:00 हो चुका है, अब निकलेंगे ऑफिस, तो देखते हैं क्या क्या पता है फिलहाल। और एक मतलब कि बुक अरेंज करना था, इसीलिए आ गए, और यार क्या बोले, स्टाफ नहीं मिला है, इस कारण से मतलब आज छुट्टी लेने वाले थे, इतना इम्पोर्टेंट काम था, घर में दो काम था, एक तो मतलब कि मैडम को दिखाना था, एक जगह जाना था वो था, एक है कि बुआ का बर्थडे भी था, मतलब कि मोहित का। बस यहाँ दर्द होता है यार, प्राइवेट काम में यही सब होता है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, वो भी कंप्रोमाइज, इतना कंप्रोमाइज कि जरूरत से ज़्यादा कंप्रोमाइज, 3 महीने से कंप्रोमाइज कर रहे हैं छुट्टी का, काफ़ी एकदम मतलब अंदर से तो खैर बहुत पूरा निकलता है, पर क्या करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होता है, और एक मन में एक अलग एक ईर्ष्या होता है, बाकी देखते हैं अच्छी मन के साथ आज चलते हैं ऑफिस। तो बाकी काम में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, काम जब आए तो काम करना ही है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। गाइस सवेरे गए, मतलब सुबह में पटना आया, फिर इधर ही घर जा रहे हैं, बहुत कबड्डी इधर ही है, क्योंकि लेट से मनाया जाएगा, तो निकल रहे हैं, देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं। हाँ थकान हो गया, बैग भी छोड़ दिए, ऐसे ही जा रहे हैं, सुबह में तो फिर आना ही है, स्टेशन पर आ चुके हैं। हम लोग को बेचारा टाटा बाय बाय।
देख सकते हैं 11:15 हो रहा है, 5:15 से ऊपर ही हो गया, तो घर जा रहा है पैदल। फोन किए थे छोटा भाई वाला नंबर पर, उठाए नहीं, खाए सोया हुआ, लेकिन जो गया है तो उतना दिक्कत नहीं है। रोड धर के जा रहे हैं, जो हमेशा जाते हैं वही रास्ता। लेट हो गया, the next day सुबह स्टेशन हे गाइस, तो आ गए रूम पर और भाई जो कि नाश्ता पानी भी कर लिए हैं, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा मतलब रात में गए हैं सुबह मोट करके फिर पटना। अभी घर से ड्यूटी, देखते हैं क्या क्या हो पाता है। फिलहाल कल एक बुक अरेंज कर रहे थे, वो सब कुछ काम हो गया और कुछ काम बाकी, एक बुक और वो सब का काम करना, मतलब अरेंजिंग वाला ही ज़्यादा काम है, वो सब करना है। तो फिलहाल अभी तो नाश्ता पानी करके रेडी, 10:30 हो चुका है, मैंने सबके पास चाबी है तो वो तो आएंगे होंगे। फिलहाल अभी निकल रहे हैं ऑफिस, तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं।